नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे दो स्विच और दो सॉकेट की कनेक्शन। दोस्तों, तो इसे वायरिंग कैसे किया जाता है। ये मॉडुलर स्विच है, 16 एम्पियर की है, आप देख सकते हैं। ये 6 एम्पियर की है और ये दो स्विच है। तो ये ये देखिए, ये जो है जिसमें लाल टिक लगा हुआ है, ये जो हमारी है ये 16 एम्पियर की है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको मैं लिखावट भी दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, 16 एम्पियर है और ये भी मेरी 16 एम्पियर की है और ये 6 एम्पियर की है और ये हमारी मॉडुलर बोर्ड है। तो इसे हम सेट करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें पुश करके इसमें सेट करना है। दोस्तों, 16 एम्पियर की सॉकेट की जगह हम 16 एम्पियर की ही स्विच लगाएंगे। दोस्तों, ये जो लिखावट है, ये लिखा हुआ है, इसे हम नीचे की ओर रखेंगे। ये हमारी सेट हो चुकी है। अब हम इसे वायरिंग दिखाएंगे आपको। दोस्तों, इसकी वायरिंग करना बहुत आसान है। ये हमारी 1.5 mm की तार है।
ये रहा दोस्तों, हमने इसे वायरिंग कर दिया है, ये वायरिंग हो चुकी है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बोर्ड वायरिंग अगर आपको सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलेगी। और दोस्तों साथ में शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और दोस्तों हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आइए अभी से हम लाइट जला करके आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। ये बिल्कुल हमारी ओके है। सबसे पहले इसे हम फिट करते हैं और आपको लाइट जला के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी दो वायर निकली हुई है, ये हमारी मेन की वायर है। अब इसे हम लाइन डालेंगे। दोस्तों ये हमारी बल्ब है 100 वाट की, इसे हम जलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी वायरिंग ठीक ठाक है। हम दूसरी वाली सॉकेट में आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों थैंक यू।